हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी, जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। तो दोस्तों, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी, दोस्तों मैं इससे पहले 1 से 5 यूनिट को आपको कवर करा चुका हूं, ठीक है? तो यदि आपने उनको नहीं देखा अभी तक, तो प्लीज उनको देख लीजिए, आपका बहुत बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगी। आप उनको पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा, आपको कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठो फ्री में फायदा लो, ठीक है? चलो, है ना। तो हमारी यूनिट है आज की ऊष्मा गति की। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऊष्मा गति की होती क्या है, ये तो पता होना चाहिए, तब तो हम इसको स्टार्ट करें। अब हमें यही नहीं पता तो हम स्टार्ट कहां से करें, ठीक है, हम जानते हैं। लेकिन ऊष्मा गति की से पहले थोड़े से दो टॉपिक आपको मैं बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक है ना, समझो, है ना। पहले आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कि ये जो थोड़ा सा निकाय होता है, ये निकाय, इसको ही हम क्या बोलते हैं, तंत्र। ये निकाय या तंत्र क्या होता है, समझ रहे ना, ठीक है? तो समझो, मान के चलो ये एक दोस्तों एक कोई पात्र है, और इस पात्र में मैं चाय बना रहा हूं। इस पात्र में क्या बना रहा हूं, मैं चाय, है ना। तो इस पात्र में चाय बना रहा हूं, ठीक है। तो इस पात्र में चाय बना रहा हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, गैस पे रखूंगा और कुछ देर बाद देखूंगा कि चाय बन जाएगी, है ना। तो दोस्तों हम आपको बताना क्या क्या चाहते हैं, निकाय या तंत्र, है ना। तो दोस्तों जो निकाय या तंत्र होता है, एक ऐसा पात्र, क्या बोला मैंने, जो निकाय या तंत्र होता है वो एक ऐसा पात्र या क्षेत्रफल होता है जिसमें कोई अभिक्रिया हो रही होती है। अब इस पात्र में कोई अभिक्रिया हो रही है, चाय बन रही है, मतलब ये पात्र क्या है, निकाय है। जैसे एक दूसरा पात्र मैंने ले लिया और इस पात्र में बना रहा हूं सब्जी, है ना। तो इस सब्जी बना रहा हूं, तो सब्जी भी क्या है, एक अभिक्रिया है ना। तो इस पात्र में भी अभिक्रिया हो रही है, तो ये भी पात्र क्या होगा, निकाय, है ना। तो जिस पात्र में कोई अभिक्रिया होती है या जिस क्षेत्रफल में कोई अभिक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं निकाय, है ना। तो ये तो हो गया निकाय। अब ये हो गया मेरे भाई निकाय, है ना। अब दोस्तों क्या है, जो निकाय के जो बाहर का क्षेत्रफल होता है, जैसे आपको बाहर का क्षेत्रफल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है ना। तो दोस्तों जो निकाय के बाहर का क्षेत्रफल होता है, इस निकाय के बाहर के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं परिवेश। क्या बोलते हैं, परिवेश। तो ये क्या है, परिवेश, ये भी क्या है, परिवेश, और ये भी क्या है, परिवेश। तो ध्यान रखना, ये निकाय, तंत्र या क्या हो गया, परिवेश हो गया, है ना। अब हम आपको समझाते हैं कि जो ऊष्मा गति की है वो क्या है ना। तो समझ लो, है ना, 1 मिनट इनको हम हटा दें पहले, ठीक, ओके। ऊष्मा गति की समझो, तो दोस्तों मेरे जो ऊष्मा गति की है, ये ऊष्मा गति की एक प्रक्रम है। क्या है, एक प्रक्रम है, या फिर हम कहें एक प्रक्रिया है ना। अब ये प्रक्रम है, ये प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, कैसा प्रक्रम है, हाँ ये भी तो बात है। तो दोस्तों ऊष्मा गति की प्रक्रम या प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें निकाय की अवस्था के बारे में बताती है, जो हमें निकाय की अवस्था के बारे में बताती है, निकाय की अवस्था के बारे में बताती है। अब अवस्था से मतलब हमें ये निकाय का दाब बताती है, हमें ये निकाय का ताप बताती है, हमें ये निकाय का आयतन बताती है, हमें ये निकाय की ऊष्मा बताती है ना। हमें ये बताती है, जो ऊष्मा गति की प्रक्रम है या ऊष्मा गति की प्रक्रिया है, हमें ये बताती है कि किसी निकाय का दाब कितना है, किसी निकाय का आयतन कितना है, किसी निकाय का ताप कितना है, किसी निकाय की ऊर्जा कितनी है ना। तो किसी निकाय के
ताप दाब आयतन ऊष्मा आदि सबको बताने वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा गति की प्रक्रिया या ऊष्मा गति की प्रक्रम। समझ रहे ना? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऊष्मा गति की प्रक्रम या प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रम होता है जो हमें किसी निकाय के ताप आयतन दाब आदि के परिवर्तन को बताती है, आदि के परिवर्तन को बताती है कि उसमें ताप का कितना परिवर्तन हुआ, दाब का कितना परिवर्तन हुआ, आयतन का कितना परिवर्तन हुआ। तो ये हुआ आपका ऊष्मा गति की प्रक्रम। अब मेरे दोस्तों, जो ऊष्मा गति की प्रक्रम होता है वो चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चार, है ना? तो आइए हम ऊष्मा गति की प्रक्रम को समझते हैं। ऊष्मा गति की है, देखो ऊष्मा गति के हम प्रकार लिख रहे हैं ना, तो आप हेडिंग डाल लेना ऊष्मा गति के प्रकार। और ऊष्मा गति की के प्रकार में हमारा जो पहला प्रकार है समतापी, है ना, समतापी प्रक्रम, है ना। मतलब जो ऊष्मा गति की प्रक्रम है वो कई प्रकार का होता है। तो पहला होता है समतापी, सॉरी समदाबी प्रक्रम। दूसरा हमारा हो सकता है समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, ये भी ऊष्मा गतिकी का प्रकार है। तीसरा जो प्रकार है ऊष्मा गतिकी का वो है रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये भी ऊष्मा गतिकी का क्या है? प्रकार है, रुद्धोष्म प्रक्रम। और चौथा जो प्रकार है वो है, चौथा जो प्रकार है वो है शम आयतनी प्रक्रम, शम आयतनी प्रक्रम, शम आयतनी प्रक्रम, ठीक है। चलो, अब ये चार प्रक्रम है ऊष्मा गतिकी के जो प्रक्रम होते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि जो ऊष्मा गतिकी प्रक्रम है वो चार प्रकार का होता है, समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और सम आयतनी प्रक्रम, ये चार प्रकार का, ठीक है। अब इन चारों को एक एक करके हम समझते हैं। देखो, पहले उसने बोल दिया समदाबी प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम? समदाबी प्रक्रम। अब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, सम मतलब समान, सम मतलब समान और दाबी मतलब दाब, समान क्या? दाब, मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब समान होता है, दाब समान होता है उसे हम बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। जैसे मान के चलो ये कोई पात्र है, इस पात्र में हम चाय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं। तो इस पात्र का जब हम चाय बना रहे थे उसके पहले हमने इसका दाब मापा, क्या मापा? दाब मापा, तो वो दाब आया आपका 500 पास्कल, 500 पास्कल आया, ठीक है। और चाय जब बन चुकी तो उसके बाद हमने दाब नापा, तब भी आपका ये निकला दाब कितना? 500 पास्कल। तो मतलब इसमें दाब क्या है? समान है, पहले जितना दाब था बाद में भी उतना दाब है ना। तो ऐसा मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात दाब कैसा होता है? समान, उसे बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। समझ गए ना, है ना? तो इसकी थ्योरी आपको लिखना है, कैसे? ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब का मान समान होता है उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। अब देखो, दाब का मान कैसा होता है? समान, तो दाब का मान समान होता है, मतलब इसमें दाब में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस थ्योरी के लिखने के बाद अंत में आप लिख लेना, अर्थात डेल पी बराबर 0, मतलब दाब में परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो ध्यान रखना कि जो समदाबी प्रक्रम है उसके लिए डेल पी बराबर क्या होता है? 0, क्योंकि दाब में उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा समतापी प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम? समतापी प्रक्रम, ठीक है। अब ये समतापी प्रक्रम क्या होता है? तो दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है, समतापी मतलब समान ताप, समान ताप, है ना। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप समान होता है उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। समझाया मैंने?
किसी पात्र, जैसे हम चाय बना रहे थे, उसके पहले उस पात्र का जितना ताप था, बाद में भी उस पात्र का उतना ही ताप निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे समतापी प्रक्रम। मतलब सीधी सी बात, यदि किसी प्रक्रम का ताप समान है तो उसे हम बोलेंगे समतापी प्रकरण। अब ताप समान है मेरे भाई, तो इसमें ताप में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो ताप में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ताप में परिवर्तन कितना होगा? जीरो। तो ध्यान रखना कि जो समतापी प्रकरण है, इसके लिए डेल्टी का मान क्या होता है? जीरो होता है। इसकी थ्योरी लिखने के बाद इसको नीचे देख लेना और ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम इसको समझ लो आप अच्छे से, है ना। ये प्रक्रम मेरे भाई एक ऐसा प्रक्रम होता है, ये जो प्रक्रम होता है एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें ना तो बाहर से ऊर्जा ली जाती है और ना ही अंदर की ऊर्जा बाहर दी जाती है। जैसे मान के चलो दोस्तों, एक थर्मस है, इस थर्मस में चाय रखी हुई है। थर्मस में मैंने क्या भर दी? चाय भर दी। तो अब थर्मस मैंने चाय भर दी तो, और मैंने उसको बंद कर दिया, तो मैं ये देखता हूं कि थर्मस में जो रखी चाय है वो गर्म ही रहती है। अगर मैंने गर्म चाय भर दी है तो थर्मस में भर दी है, तो थर्मस में जो चाय भरी है वो गर्म ही रहेगी, वो ठंडी नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों जब थर्मस में चाय भर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो थर्मस के जो अंदर की ऊर्जा है वो बाहर नहीं जा पाती और बाहर की ऊर्जा अंदर नहीं आ पाती। तो दोस्तों जो रुद्धोष्म प्रक्रम है, इस रुद्धोष्म प्रक्रम का जो थर्मस है वो एक एग्जाम्पल है ना। तो रुद्धोष्म प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जो जिसमें ना तो बाहर से ऊर्जा ली जाती है और ना ही अंदर की ऊर्जा बाहर दी जाती है, तो उसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। जैसे एग्जाम्पल थर्मस। अब बाहर से ऊर्जा ना तो ली जाएगी और ना ही अंदर की ऊर्जा बाहर दी जाएगी, है ना। अब बाहर से ना ऊर्जा ले रहे ना अंदर की ऊर्जा बाहर दे रहे, तो मतलब इसमें ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ना तो हम दे रहे ना हम ले रहे ऊर्जा को, तो मतलब ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान रखना है ना, तो ऐसा प्रक्रम जिसमें ना तो बाहर से ऊर्जा ली जाती है और ना ही अंदर की ऊर्जा बाहर दी जाती है, ऐसे प्रक्रम को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊर्जा का मान समान होता है, ऊर्जा का मान समान होता है, अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। जब ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता तो ऊर्जा को हम व्यक्त करेंगे यहां पर क्यू से। तो यहां पर जो डेल क्यू है, इस डेल क्यू का मान क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। तो ध्यान रखना कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊर्जा का मान जीरो होता है, अर्थात डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। अंतिम और हमारा लास्ट प्रक्रम है सम आयतनी प्रक्रम, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, सम आयतनी मतलब समान आयतन, ठीक है। तो सम आयतनी प्रक्रम मेरे दोस्तों ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें आयतन कैसा होता है? समान, है ना। तो वह प्रक्रम जिसमें आयतन समान होता है सम आयतनी प्रक्रम कहलाता है ना। आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब आयतन परिवर्तन डेल भी बराबर क्या होगा? जीरो होगा। डेल भी बराबर क्या होगा? जीरो होगा। तो ध्यान रखना सम आयतनी प्रक्रम में डेल भी बराबर जीरो होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो प्रक्रम है वो चार प्रकार के होते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले के समदाबी प्रक्रम, तो समदाबी प्रक्रम में बता देना कि समदाबी प्रक्रम में डेल पी इज इक्वल टू जीरो होता है। समतापी प्रक्रम में डेल टी इज इक्वल टू जीरो होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल क्यू बराबर जीरो होता, मतलब ऊर्जा का मान जीरो होता है, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। और सम आयतनी प्रक्रम में डेल V इज इक्वल टू जीरो होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलो तो दोस्तों यदि आपको ये सब चीजें अच्छी लगी हैं, अच्छे से समझ में आ गया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।